सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने लफ्जों का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा क्योंकि यह आपके परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। हमेशा खुश रहो क्योंकि तुम्हारे आंसू से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहाँ एक परिवार है। आज का पंचांग 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 1:02 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:12 से 10:52 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 6:38 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मकर राशि 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में मुश्किल लग सकती है परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। आपको बस दृढ़ता पूर्वक डटे रहना है, लेकिन चिंता ना करें। एक बार जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो लोग इसे सुलझाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे। आज दिन की शुरुआत में ही कोई खुशखबरी मिलने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी प्रिय मित्र या नजदीकी रिश्तेदार से भी मेल मुलाकात होगी। आपका विवेक और चतुराई से काम लेना आपकी उन्नति में सहायक रहेगा। पैसों से जुड़ी तकलीफ आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन प्रयत्नों में सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर आज ध्यान देना होगा। छोटे लक्ष्य द्वारा जो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा वही बड़े लक्ष्य पर नजर टिकाए रखने के लिए आवश्यक है। मित्र द्वारा मिला हुआ काम का प्रस्ताव आपके लिए और मित्र के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव नजर आएंगे जिसके कारण बेचैनी कुछ देर ही सता सकती है। घुटने से संबंधित तकलीफ को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, इस पैतृक संपत्ति मसले को लेकर तनाव रह सकता है, परंतु आप भी अपने शंकालु स्वभाव में बदलाव लाएं। वर्तमान समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। किसी भी समस्या से घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर की छोटी मोटी बातों को तुलना दें, इससे दाम्पत्य और व्यावसायिक जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। आप काफी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों से बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए जहाँ कोई झाग भी ना सके। अगर आप किसी संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक ले ही सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप काफी मेहनत के साथ भाग दौड़ करेंगे परंतु उतना संतोषजनक परिणाम मिलना मुश्किल होगा। दिल छोटा ना करें, हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती। आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे कि आप योजना और संधि बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार में गतिविधियां बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। आर्थिक स्थिति में भी काफी हद तक सुधार आएगा। योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर न करें। नौकरी पेशा लोगों की अपने डिपार्टमेंट में उचित साख बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। पिछले कई महीनों से आपके दिमाग में यह बातें
आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को काले तिल का तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।